हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चटपट गैजेट्स टीवी। मेरा नाम है रयान और आज की वीडियो में जो है मैं आप लोगों को एक काफी ज्यादा स्पेशल माउस की अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूं। ये जो माउस है देखने में बिल्कुल एक सिंपल माउस की तरह ही दिखाई देता है, पर गाइस ये जो माउस है आपके मोबाइल के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, वो भी बिना कोई वायर को लगाए। ये जो माउस आप मेरे हाथ में देख रहे हो लाइव टेक की तरफ से आ जाता है। इसका नाम है स्विफ्ट ड्यूअल मोड वायरलेस माउस। इसके अंदर हमें 2.4 गीगाहर्ट्ज वायरलेस फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है और ब्लूटूथ मोड भी देखने को मिलता है। इसके ब्लूटूथ मोड को यूज करके हम इसको अपने मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हैं और कोई टैबलेट होगा तो उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। किस तरह से कनेक्ट करना है आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों देख सकते हो इस तरह के बॉक्स में मिला है हमें ये माउस। इसे मैंने खरीदा है अमेजोन से, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो दोस्तों फटाफट से इसको मैं यहाँ से अनबॉक्स कर लेता हूँ। दोस्तों आपने अभी तक चटपट गैजेट्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकॉन भी दबा देना और ऑल नोटिफिकेशन को भी जरूर से ऑन कर देना ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूं वो वीडियो आप सबसे पहले देख सको। ये जो माउस है पूरी तरीके से वायरलेस है और इसके अंदर हमें कोई भी बैटरी वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर हमें एक 500 mAh की इनबिल्ट बैटरी भी देखने को मिलती है। तो इस बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें इस तरह का एक माइक्रो USB केबल भी मिलता है। केबल की क्वालिटी अगर मैं आपको दिखा दूं तो काफी ज्यादा बढ़िया केबल है, आप देख रहे हो। तो इसे रख देता हूं मैं यहाँ पर। तो ये रहा हमारा माउस और ये है इसकी यूजर मैनुअल और ये है इसका 2.4 GHz का एक छोटा सा रिसीवर। तो सबसे पहले इस माउस की क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। गाइस आप देख रहे हो एकदम प्रीमियम क्वालिटी का माउस है ये। यहाँ पे आप चाहे तो इसकी DPI भी चेंज कर सकते हो। DPI कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ पे दो बटन्स देखने को मिलते हैं हमें। ये है इसकी स्क्रोलिंग व्हील, साइड में दो एक्स्ट्रा बटन्स भी देखने को मिलते हैं हमें। तो जहाँ तक बात करूँगा इसमें इसके ग्रिप की, यहाँ पे पूरी तरीके से रबर वाली ग्रिप भी दी गई है। देखने में काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश दिखाई देता है ये माउस और यहाँ पे हमें RGB भी देखने को मिलती है और ये जो नीचे वाली बॉर्डर आप देख रहे हो यहाँ पे पूरी की पूरी RGB देखने को मिलती है हमें इस माउस के अंदर। तो मेरे लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके इसकी RGB भी मैं आपको चेक करके बताने वाला हूँ। तो इसकी जो RGB मोड है यहाँ से आप इस बटन को यूज करके चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे देख रहे हो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप ये स्विच को ऊपर कर देते हो तो ये माउस जो है ऑन हो जाता है और ये ब्लूटूथ मोड में अभी आ चुका है। अभी हम हमारे मोबाइल से या फिर टैबलेट से इसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। बीच में करने से ये ऑफ हो जाता है। अगर मैं इसको नीचे कर देता हूं तो ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी में आ जाता है। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी में आने के बाद इसका जो रेंज है 10 से 15 मीटर हो जाता है। आप चाहे तो इसे आपके एंड्रॉयड TV के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। यहां से आप इस माउस को चार्ज भी कर सकते हो इस केबल की मदद से। इसको एक बार चार्ज आप कर देते हो तो ये जो माउस है आपको महीने महीने तक बैकअप दे सकता है क्योंकि इसके अंदर 500 mAh की बैटरी हमें देखने को मिलती है। मेरे ख्याल से तकरीबन आपको 2 months में एक बार इसे चार्ज करना होता है, इतनी बेहतरीन बैटरी दी गई है इस माउस के अंदर। तो ओवरऑल देखने में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम दिखाई देता है, ग्रिप वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। अगर आप लेफ्ट हैंडेड हो तो भी देख रहे हो गाइस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ग्रिप मिलती है हमें इस माउस को। तो दोनों हाथ से आप इसको चाहे तो यूज भी कर सकते हो। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा तगड़ी लगी मेरे को। तो चलो दोस्तों अभी फटाफट से इस माउस को मैं मेरे मोबाइल से कनेक्ट करके बताता हूं, उसके बाद में मेरे लैपटॉप से भी इसे फटाफट से कनेक्ट करके बता देता हूं। तो मोबाइल के अंदर पहले ब्लूटूथ ऑन कर लेते हैं। तो यहां पे ब्लूटूथ 5.0 बोलकर दिखा रहा है। माउस के अंदर भी ब्लूटूथ ऑन कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे कनेक्टेड बोल के दिखा रहा है। तो अभी ये जो माउस है इससे कनेक्ट हो चुका है। तो अभी देख रहे हो इसमें यहाँ पे कोई भी वायर वगैरह नहीं लगाया है, देख रहे हो। माउस से कंट्रोल कर रहा हूँ अभी मैं मेरे फोन को। भाई साहब मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इतनी जबरदस्त तरीके से ये कंट्रोल होगा, देख रहे हो गाइस काफी बढ़िया है। वाओ, बिना कोई वायर के मोबाइल से माउस कनेक्ट करना काफी बढ़िया है। तो यहाँ पे YouTube भी चला लेते हैं। काफी बढ़िया तरीके से माउस से जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं इसे। वाह भाई मजा आ गया यार।
तो काफी बढ़िया माउस लगा मेरे को ये। तो अभी मेरे पीसी से भी इसे कनेक्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। पीसी के अंदर इस माउस को कनेक्ट करने के लिए आप चाहे तो ब्लूटूथ भी यूज कर सकते हो या फिर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का जो हमें डोंगल मिला था उससे भी कनेक्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे हमारे पास जो डोंगल है उसे इस पीसी के अंदर लगा दिया है, देख रहे हो यहाँ पे, जस्ट इसे इस तरह से लगा देना है और देख रहे हो गाइस अभी ये काम कर रहा है। काफी रेस्पॉन्सिव माउस है, आप चाहे तो इसे गेमिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। पूरी तरीके से वायरलेस माउस है और इसके अंदर RGB भी जो है काफी बढ़िया RGB देखने को मिलती है। तो अभी इस माउस के अंदर जो RGB दी गई है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे रूम में जो है काफी ज्यादा लाइट्स है, लाइट्स बंद करके अभी मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों इसकी RGB जो है मैंने ऑन कर दी है। इसके अंदर हमें टोटल 7 ब्रीथिंग लाइट इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं और ब्लूटूथ वर्जन 5.0 देखने को मिलता है। इसके वजह से कनेक्टिविटी जो है मोबाइल या फिर लैपटॉप के साथ या फिर टैबलेट के साथ काफी अच्छी देखने को मिलती है। और इस माउस का जो डिजाइन है काफी बढ़िया लगा मेरे को। तो आपको ये माउस कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। अगर आप इसे खरीदना चाहते हो तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहे तो वहां से जाकर इस माउस को खरीद भी सकते हो। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो इस डुअल मोड वायरलेस माउस के बारे में। तो चलो दोस्तों मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में और इसी तरह कुछ धमाकेदार गैजेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।